बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हमारे यूट्यूब फैमिली आई हो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि माह रमज़ान चल रहा है और माह रमज़ान में न्यू न्यू डिशेज़ तैयार की जाती हैं, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि बहुत ही आसान, बहुत ही जो है झटपट बन जाने वाली जो है ना एक न्यू डिश। तो इसको हम बनाएंगे आलू के साथ, इसको आलू स्नैक्स भी कह सकते हैं कि आलू के स्नैक्स बनाने लगे हैं हम। तो आइए, हम अपनी सबसे पहले रेसिपी हमने आलू लिए, इनको बॉईल कर लिया है। तो अब हम इनको फोक की मदद से मैश कर लेंगे। फोक से ये बहुत अच्छे मैश होते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मेरी हमेशा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे अच्छे से कमेंट करें, ताकि जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो जो है अपने तमाम आलू जो हैं वो मैश कर लिए हैं। तो अब हम इनके अंदर क्या क्या डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, तकरीबन हाफ चम्मच लाल मिर्च का, हाफ चम्मच हल्दी, एक चम्मच हम इसमें यूज करेंगे नमक का, तकरीबन 3 चम्मच इसमें जाएंगे मैदे के। अब हम मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से। अब मैं हाथों का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि ये हाथों से ज्यादा अच्छे मिक्स होंगे। आज ये डिश बहुत मजेदार बनने वाली है। प्लीज माय चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियोस को, और बेल भी दबा देना, लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, बेल आइकन यस। रिया फातिमा को भी पता चल गया। चलो पीछे नहीं, अभी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल यूज करेंगे बहुत मजेदार रेसिपी ये बनने वाली है। तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इतना सा मसाला हम एक साइड पे करते हैं पहले, इतने से कि हम डोबना। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, तकरीबन 1 चम्मच, एक चम्मच चाट मसाला डाला है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमारे चटपटे स्नैक्स तैयार होने वाले हैं। बस जब शेक तैयार हो जाए तब चूल्हे पे रख के बस पकाना है। हाँ जी, तो ये देखें, ये मसाला हमारे एक 2 पीस की है, इसके 2 के इसको फैला देंगे अच्छे से। अब समझी मम्मा जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने मैंने इसको सीधा पेट कर लिया। तो अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। छुरी की मदद से मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों प्लेटों में जो है ना अपना जो कटलेट्स का मसाला है वो अच्छे से तैयार कर लिया है। तो इधर मैंने जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल है वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें जो है अपने कटलेट्स जो है एक एक करके डालेंगे। ये देखिए, मैं फोक की मदद से इन पे जो है थोड़ा थोड़ा सा निशान बना रही हूँ, डिज़ाइन बना रही हूँ। और अब मैं इनको एक एक करके जो है प्लेट के अंदर घी के अंदर डाल रही हूँ। कितना प्यारा कलर आ गया इनका। अब हम इन्हें निकाल लेंगे।
जी आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, अंदर से क्रिस्पी बनती हैं। हमने मसाला बनाया है इसका, तो मसाले में हम थोड़ा सा हाथों को ऑयल लगाएंगे, बेसन मैदा लगाएंगे और हम इनकी छोटी छोटी सी बॉल बनाएंगे। हम 2 चम्मच मैदा लेंगे, हमने एक पतला सा बैटर बना लिया है। ये तो गाइस ऑयल जो है हमारा तकरीबन गर्म हो गया है, देखें बहुत ज़बरदस्त कलर आ रहा है इनका, तो बहुत प्यारे स्नैक्स हमारे तैयार हो गए। ये देखें ब्यूटीफुल, अभी हम इन्हें आहिस्ता, मैंने बहुत आंच जो है इसकी हल्की धीमी आंच में रखा हुआ है, अभी इन्हें हम और अच्छी तरह से पकाएंगे क्योंकि हमने इनके अंदर भी मैदा यूज़ किया है, तो ताकि ये अच्छे से पक जाएँ। जी तो व्यूअर्स ये देखें हमारे जो है अब जो हमने लॉन्ग शेप में कटलेट्स बनाए हैं वो भी तैयार हो गए हैं। व्यूअर्स ये देखें बहुत प्यारे स्नैक्स हमारे बन गए हैं। जी तो व्यूअर्स अभी ये हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो इंशाल्लाह जो है अब हम इसे इफ्तारी के टाइम रखेंगे अपने डाइनिंग टेबल पर। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।